बढ़ते आगे, देश की सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए अब मोदी सरकार का बजट में डिफेंस सेक्टर पर जोर रहेगा। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पीएमओ ने वित्त मंत्रालय को बजट में डिफेंस सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए हिदायत दी है। इसके लिए बजट में बड़ी छूट का ऐलान किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी देश में ही रक्षा उपकरण बनाने के पक्ष में है, जिससे भारत की रक्षा उपकरण के इम्पोर्ट पर निर्भरता कम हो जाएगी। इसके साथ ही रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। फिलहाल भारत करता है। Issues that we have has already been shared with the government through NASCOM, so we'll leave it at that now. Okay, so last. Taxation, SEZ, transfer pricing, there are a few issues which we have talked about in the past and those remain as key issues. सबसे पहले ये जरूरत है कि economic reforms का agenda अभी शुरू होना चाहिए और उसके साथ primary market का activity भी चालू हो जाएगा। Budget के अंदर एक प्रोविजन किया जाए जो ATHHD होता था कि बेस्ड ऑन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग अगर हम पैसा दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते हैं तो उस अमाउंट पे 50% जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है उस पर हमें टैक्स एग्जम्पशन मिलती थी। वो ATHHD रिमूव हो गई, उससे क्या हुआ कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे असर पड़ गया।